हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 52। डे 52 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको डे 51 के होमवर्क का आंसर बता देता हूं। तो इसका होमवर्क का आंसर है ये जो रेशियो था, आप लोगों ने आई होप कि ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन, और द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ऑफ द टू नंबर्स आप लोगों ने निकाला होगा। ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं अपने डे 52। उससे पहले एक बार मैं 51 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स? लेट मी चेक वंस, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। ओके ओके क्वेश्चन में देख लेता हूँ। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, सो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन लगी है, क्योंकि मेरे को देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसमें, तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जो ने टू नंबर्स ये वाले ना, कंफ्यूज मत करना, जो टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। टू जो टू नंबर्स हैं, जो आपके जो ये वाले टू हैं, वो ही वाले जो मतलब है सिर्फ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है ना। तो इसमें इसमें जो है इसका और इसका दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है ऑफ द टू नंबर्स है ना। और यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते थे लोग, फर्स्ट टू नंबर्स मतलब वन और फर्स्ट और सेकेंड है ना, फर्स्ट टू नंबर्स ऐसे कह सकते थे। बट आपको अगर नहीं भी दिया तो कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोगों थोड़ा सा इम्तिहान से पढ़ना है। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली इतना मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका, सपोज करो अगर मैं इसको बताऊं, थर्ड नंबर आपका अगर 100 मान लो आप लोग 10 एंड 25%, अगर 10% दैट मीन्स जे, 25% दैट मीन्स 125 ही हो जाएगा। और इनका अगर आप लोग रेशियो निकालोगे फर्स्ट टू नंबर्स का आप लोग अगर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 11, ये आएगा आपका 11, नो वन सेकेंड, एक सेकेंड, ये आएगा आपका 22.25, 25 है ना, 22:25 आपका ये आ जाएगा। ये आप कैंसिल आउट करोगे ना, पांच से आप लोग कैंसिल करोगे, पांच से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये पूछा था आप लोगों को द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स, अगर नहीं भी मेंशन कर रहे हैं द फर्स्ट वगैरह, तो जो टू नंबर्स आर ए वाले हैं ना, इन्हीं का रेशियो पूछा है, थर्ड नंबर का नहीं पूछा है। बट आपसे पूछे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थर्ड भी आपका है, रेशियो है, रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछता वो कि सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड और थर्ड का पूछता, किसी का भी पूछ ले, तो आप लोग आराम से काट लोगे ना। ये तो 25 हो जाएगा, और ओके 25, 20 500, या तो ये 20 हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से आप रेशियो निकाल सकते हैं ना, तीनों को भी काट लो, फिर भी उनका रेशियो देख लो, किसका किसका पूछा है, तो आप लोग आराम से कर लोगे इसको। आई होप कि ये तो आप लोगों ने किया होगा, और मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया इसको, क्योंकि मेरे को लग रहा था क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है क्या। चलो 51 हो ही गया आपका, 52 पे हम चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके सो हम लोग ना व्हाइट पेन से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एज कितने बार लिखा है, कितने बार लिखा है, 24% प्लस 24% प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस 24%, कितनी बार लिखा है? 24 नहीं, 2024, 2024 जो आपकी गेट का ईयर है, 2024 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसमें से करना है मार्क ऑल द अप्रोप्रिएट, दैट मीन्स कि ये है आपका MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट चॉइस। ओके सो आपको ये सॉल्व करना था। ओके आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आप चलो मैं देख बताता हूँ आपको क्या करना है। 2024% प्लस 2024% प्लस डॉट डॉट प्लस 2024%,
आप चाहो इसमें से 2024 टाइम्स लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड में यहाँ पे अगर मेंशन भी ये चीज कर दूँ, ये चीज में पेंशन कर दूँ यहाँ पे 2024 टाइम्स, ओके ठीक है। बार बार हम नहीं लिखेंगे उस चीज को यहाँ पे। अगर 2024 कॉमन आ जाएगा तो 1+1+ डॉट 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 1 आ जाएगा आपका। ये कितने बार आ जाएगा? 2024 टाइम्स, ओके। अब आपको एक चीज पता है कि 1+1+1 आपका 2024 टाइम्स लिखा है, तो कितना होगा इसका वैल्यू? 2024% तो आपका ये था ही, और इंटू 2024 ही हो जाएगा आपका, ओके। सो फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो? 2024 इंटू 2024 है ना, इंटू यहाँ पे बाद में परसेंटेज लगा सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? 2024 का स्क्वायर, ऐसे परसेंट कर सकते हो। फर्दर इसको क्या कर सकते हो? 2024 परसेंटेज को मैंने बताया था 1/100, दैट मीन्स यहाँ पे 100 आ जाएगा, ओके। सो एक चीज ये हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, जो ऑप्शन कौन कौन से मैच कर रहे हैं हम लोग। 2024 का स्क्वायर का परसेंटेज बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। 2024 परसेंटेज के अंदर स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता, क्यों? अभी मैं बताता हूँ। 2024 का स्क्वायर देन परसेंटेज, ये सही है। 2024% या ये भी सही। ए सी डी इसका आंसर है, इसका आंसर है ए सी डी। ए सी डी इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली, ओके। अब ऑप्शन बी को मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन बी जो था ना, ऑप्शन बी को मैं इलेबोरेट करता हूँ। ऑप्शन बी में क्या था? ऑप्शन बी में है 2024% परसेंटेज 1/100 लिखा हुआ है, इसको भूल मत जाया करो। ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंस रखता है, अपने आप में अपनी प्रेजेंस रखता है, और इसको आप लोग फर्दर खोलोगे स्क्वायर को, परसेंटेज भी आएगा ना, परसेंटेज भी तो आएगा। परसेंटेज ऐसे बाहर कैसे निकलेगा? स्क्वायर एक ऐसी चीज है, ये कह रहा है हमारे दरवाजे से बाहर निकलोगे तो हम दुगुना करके भेजेंगे तुम्हें। अगर तो 5 किलो आए हो तो 10 किलो जाओगे वापस उस गेट से। तो एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है ना। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर तो किया, बट परसेंटेज बाहर है, परसेंटेज बाहर है, दैट मीन्स 1/100 लिख दिया। और उसके पहले जो लिखा था ये ऑप्शन में ये था, डी वाले में आई थिंक। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो बार कहीं परसेंटेज नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाता है रिजेक्ट। ऑप्शन बी आपका हो जाता है रिजेक्ट, दैट मीन्स करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सी और डी, ओके। सो आई होप कि ये चीज आप गलती नहीं करोगे। मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, बट ऐसे कई बार ना हम 2024% देखते हैं, अरे यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे एक बार सोच के देखो ना, कुछ भी नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देखो आप लोग, मजा आ जाता है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हेलो, यार रिकॉर्डिंग आई थी चल रहा है, ओके। आप लोग आराम से देखा आपने कि कितना आसान सा क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, और कई बार ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कि यार इसमें तो सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। तो ये चीज देखना है आपको कि क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ओके। कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा चीज क्या हो रहा है, परसेंटेज कहाँ लगना है, माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं करना है हमें, बिल्कुल ठीक है। सो अब चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। होमवर्क की ओर हमने बढ़ाया अपने कदम, और इसको थोड़ा सा आप लोगों को आई होप कि दिख ही रहा होगा, अदरवाइज मैं इसको जूम भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, जूम आई थिंक माउस से होगा, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ इसको यार। ओके, सो मैंने जूम कर दिया है आप लोगों के लिए, इरेज कर देता हूँ। ये क्या बन रहा है? नहीं इरेज हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। या सो होमवर्क 52 आप लोग सॉल्व करना आराम से। और इसमें क्या है कि ओके
ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्शन कैंडिडेट सिक्योर, कैंडिडेट इलेक्शन का फिर से आ गया। इलेक्शन का अभी बहुत माहौल चल रहा है हमारे एमपी में और बाकी के राज्यों में भी, तो थोड़ा सा इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी लिए हैं, बट ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, जस्ट जोक। इलेक्शन वाले क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन एक्चुअली, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जैसे इलेक्शन में कोई बोलता नहीं कि 2% से वो कैंडिडेट जीत गया, 400 वोटों से जीत गया, तो वो 400 वोटों से जीता, कितने लोगों ने वोट दी, कितने बैलेट थे, इनवैलिड थे, कितने परसेंटेज से जीता, कितने मार्जिन से जीता, कितने विनिंग कैंडिडेट के, या मतलब विनिंग वाला कितने अच्छी वोटों से जीता है, तो जो लूजर था उसने कितने वोट प्राप्त किए, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं और इसमें देखने के लिए। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे, इससे पहले भी शायद एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, तो उसमें भी आप लोगों ने सीखा होगा कुछ ना कुछ। सीखते जाना है, सीखते जाना है, डेली का डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, आपकी लड़ाई खुद से है, और जब खुद से हो या खुद से है लड़ाई या खुदा से है लड़ाई, तो इसमें नहीं कर सकते आप बेवफाई, और आपको करनी पड़ेगी जबरदस्त पढ़ाई, ठीक है? आपकी खुद से है लड़ाई, है ना, और भगवान भी करेंगे आपकी बड़ाई अगर आप करोगे जबरदस्त पढ़ाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ऐसे कुछ कुछ लाइन्स के साथ भी आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ये इंस्टेंट लाइन्स में बना देता हूँ। ओके, बाय बाय।